महर्षि परशुराम राजा जनक से मिलने हेतु आए। देखो राजा जनक, पुत्री को देखो। कोई साधारण व्यक्ति इस धनुष को नहीं उठा सकता। कोई शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली मानव ही इस धनुष को उठाने का कार्य कर सकता है। उन्होंने सरलता पूर्वक एक हाथ से ही धनुष को उठा लिया। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर एक झटके में ही उसे तोड़ दिया। संपूर्ण राजा जनक ने राम तथा सीता के विवाह के पश्चात मिथिला में एक भव्य भोज का आयोजन किया। हे कृषक, हमने तुम्हारी सभी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुन लिया है। मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे ग्राम की समस्या का राम से निवारण पूछूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं राम का राज्याभिषेक कर राज्य की बागडोर उसे सौंप दूं। राम उनकी पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दशरथ राज तिलक के दिवस अत्यधिक प्रसन्न थे। नगर वासी उत्कंठा से राम के राज तिलक का अवलोकन कर रहे थे। दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को भी राम से अत्यधिक लगाव था, किंतु अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर उन्होंने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। महारानी, यदि राम राजा बन गए, आपकी स्थिति अत्यंत विकट हो जाएगी। आप महाराज से कहकर भरत को राजा बनवाएं। महाराज, आपने मुझे वचन दिया था आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, अतः आज मैं आपसे ये मांगती हूँ कि राम को आप 14 वर्षों हेतु वनवास भेज दें तथा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करें। कैकेयी, तुम मुझसे कैसे राम को 14 वर्ष के वनवास की बात कह रही हो? उसने तुम्हें कौन सी हानि पहुँचाई? मैं किसी प्रकार का तर्क नहीं सुनना चाहती। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें, मेरा पुत्र भरत अब राजा बनेगा। पिताश्री, मैं माता कैकेयी की इच्छा का अक्षरशः पालन करूंगा तथा वन में जाकर निवास करूंगा। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ कर न जाओ, मैं मर जाऊंगा। पिताश्री, भरत मेरा छोटा भाई है, वो मेरी अनुपस्थिति में शासन चलाएगा। आप कृपया दुखी न हो, 14 वर्षों के पश्चात मैं लौट आऊंगा। जब राम, सीता तथा लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान के लिए चल पड़े, तब तीनों एक विशाल काय वट वृक्ष के निकट पहुंचे, जिसके शीर्ष पर एक गिद्ध बैठा था। उन्होंने सोचा कि ये भी राक्षसों की ही कोई माया होगी, अतः राम ने अपने धनुष से निशाना साधा। रघुराम, मैं आपके पिता दशरथ का मित्र हूँ, मेरा नाम जटायु है। जब आप वो लक्ष्मण कहीं जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर सीता की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। धन्यवाद जटायु। राम, लक्ष्मण व सीता ने एक कुटिया निर्मित करके कुछ दिवस उसमें निवास किया। एक दिवस सूर्पणखा नाम की राक्षसी भोजन हेतु भ्रमण कर रही थी। वो राम लक्ष्मण के आकर्षक रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। स्वयं को एक धूपवती स्त्री के रूप में परिवर्तित करके वो श्री राम के सम्मुख गई। नवयुवक, मुझसे विवाह करोगे? मैं विवाहित हूँ तथा मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मेरा अनुज लक्ष्मण अविवाहित है तथा वो अत्यंत रूपवान भी है, उससे पूछो। राम की बात सुनकर सूर्पणखा लक्ष्मण की ओर बढ़ी। तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं तो राम का एक समर्पित चाकर हूँ, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी एक चाकर बन जाओगी। वापस जाकर श्री राम से पूछो। राम की पत्नी के कारण ये मुझे अस्वीकार कर रहे हैं, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। लक्ष्मण,
ये दुष्ट लोगों को समझाने का समय नहीं है। इस युवती को दंडित करो। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट कर उसे वापस भेज दिया। सून पड़खा विलाप करते हुए अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची तथा अपने उत्पीड़न की कथा सुनाई। वन में राम एवं लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया तथा मेरी नाक काट डाली। ये राम की पत्नी सीता के कारण हुआ, जो अत्यंत सुंदर है। क्या? हाँ भैया, सीता की सुंदरता वास्तव में अतुलनीय है। हाँ। आपको मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। हाँ। रावण के कुत्सित मन ने सीता के अपहरण की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मारीच। प्रलोभन देकर तुम राम तथा लक्ष्मण को उन्हें उनकी कुटिया से दूर ले जाओ। मारीच एक सुनहरे मृग का रूप धारण करके सीता के सम्मुख गया। देखो वो कितना सुंदर मृग है। यदि हम इसे पकड़ लें तो ये अयोध्या के लिए अत्यंत गर्व की बात होगी। ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये बनावटी प्रतीत होता है। राक्षस हमें मूर्ख बनाकर फंसाना चाहते हैं। किंतु राम सीता की इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, अतः स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़े। मृग पकड़ने के प्रयास में राम कुटिया से अत्यंत दूर आ गए। अंततः क्रोधित व थके राम ने मृग पर बाण चलाया। मरते हुए मारीच ने राम के स्वर में लक्ष्मण का नाम पुकारा। मेरी सहायता करो सीता, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, ये उच्च स्वर किसका था? कुछ गड़बड़ है, कृपया जाओ एवं जाकर अपने भाई को ढूंढो, वो अवश्य किसी संकट में है। मेरे भैया संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें कोई संकट में नहीं डाल सकता। उनकी सहायता हेतु मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राक्षसों का माया जाल है। तुम अपने भाई के करुण स्वर को कैसे अनसुना कर सकते हो? जब तुम्हारे भाई संकटों का सामना कर रहे हैं, तुम व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से आहत हुई। माते, आपकी संतुष्टि के लिए जाता हूँ, किंतु मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। जब तक हम लौटे नहीं, तब तक किसी भी परिस्थिति में इससे बाहर मत निकलिएगा। उसी समय एक साधु कुटिया के बाहर आया। आप कौन हैं? आप जैसी अपूर्व सुंदरी इस वन में अकेले क्या कर रही है? इस प्रकार कष्ट सहने का क्या कारण है? मुझे भोजन हेतु कुछ भिक्षा मिलेगा? सीता फल लेकर उसे देने आई। यदि आप ये भिक्षा इस रेखा के भीतर से देंगी, तब मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं रेखा से बाहर नहीं जा सकती, कृपया आप भिक्षा ग्रहण करें। तुम मेरा अपमान कर रही हो, मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। अंततः सीता उस रेखा को पार करके बाहर आ गई। जैसे ही सीता रेखा से बाहर निकली, साधु उसी क्षण रावण के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रभु रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। अब तो कोई रक्षा करो, मेरे साथ कोई मेरी रक्षा करो। ये तो रावण है, ये देवी सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। हे प्रभु, उसने उसी क्षण रावण के सम्मुख जाकर उस पर प्रहार किया। मेरी रक्षा करें, प्रभु राम। रावण, देवी सीता को छोड़ दो। दुष्ट रावण, देवी सीता को छोड़ दो। कोई मेरी रक्षा करे। रावण ने एक ही बार में तलवार से जटायु के पंख काट दिए एवं सीता को आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। मेरी सहायता करो सीता, हे लक्ष्मण। जैसे ही राम ने मारीच के स्वर सुने, उन्हें छल का आभास हो गया। वो शीघ्रता से वापस लौट रहे थे कि मार्ग में लक्ष्मण मिल गए। लक्ष्मण, क्या हुआ?
तुम यहाँ क्यों आए? तुमने जानकी को अकेला क्यों छोड़ दिया? यदि हमारे वापस पहुँचने के मध्य जानकी के साथ कुछ हो गया तो? मैंने उन्हें बहुत समझाया भैया, किंतु वो नहीं माने। विवश होकर मुझे आना पड़ा, किंतु उनके चारों तरफ मैंने लक्ष्मण रेखा बना दी है। दोनों वापस कुटिया पहुंच गए। हे प्रिये, जानकी तुम कहाँ हो? हे वृक्ष, पक्षी, पशु, कोई मुझे इतना बता दे, मेरी सीता कहाँ है? राजा रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। मैंने उन्हें बचाने का अथक प्रयास किया, किंतु रावण ने मेरे पंख काट दिए। इतना कहकर जटायु ने दम तोड़ दिया। रावण सीता को लेकर लंका पहुंच चुका था। सीता, तुम्हारा राम तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, उसे भूल जाओ। मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। मेरी पटरानी बनकर प्रसन्न जीवन बिताओ। रावण, मेरे प्रभु राम की अनुपस्थिति में तुम मुझे यहाँ गुप्त रूप से ले आए हो। यदि वो उस समय वहाँ होते तो अवश्य ही तुम्हारा वध कर डालते। अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। मुझे मारने वाला अभी तक नहीं जन्मा। क्रोधित रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उनके चारों ओर राक्षसियों का पहरा लगा दिया। राम लक्ष्मण सीता को चारों दिशाओं में खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वानरों के राजा सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान को उनसे मिलकर उन्हें अपने पास लाने के लिए आमंत्रण भेजा। प्रिय पवन पुत्र हनुमान, मात्र आप ही में शक्ति है कि आप उड़कर लंका जा सकते हैं। अतः शीघ्र जाकर सीता से मिलें एवं पहचान हेतु ये मुद्रिका सीता को दिखाइएगा। आपकी जैसी आज्ञा, मेरा जीवन तो सदैव आपकी सेवा में समर्पित है। आप मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। हनुमान ने अति विशाल काय रूप धारण किया। वो समुद्र पार करने हेतु हवा में उड़ चले। समुद्र पार करके वो रावण की नगरी लंका में पहुंचे। हनुमान माता सीता को ढूंढने हेतु नगर में निकल पड़े। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे उन्हें माता सीता बैठी हुई दिखाई दी। सीता, तुम क्यों इस प्रकार बिना भोजन तथा अच्छे वस्त्र के स्वयं को कष्ट दे रही हो? मैं तीनों लोकों का शासक हूँ। मेरा महल, धन, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ मैं तुम पर न्योछावर करता हूँ। तुम चलकर अब मेरे साथ मेरे महल में रहो। तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि साधुओं की भांति वन में निवास कर रहा तुम्हारा पति राम जीवित भी है अथवा नहीं। तुम उसे भूल जाओ। मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, चले जाओ। मैं तुम्हें 2 माह की अवधि देता हूँ। यदि तुमने विवाह का मन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। की स्तुति करती हुई सीता के समक्ष वृक्ष से कूदकर हनुमान प्रकट हुए। सीता रावण की कोई अन्य चाल समझकर भयभीत हो गई, किंतु हनुमान ने उन्हें अपना संपूर्ण परिचय दिया। हे माते, मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ। उन्होंने मुझे आपको ढूंढ निकालने हेतु भेजा है तथा साथ में ये मुद्रिका भी दी है, जिससे कि आपको विश्वास हो सके। बातें सीता ये सुनकर विलाप करने लगी एवं श्रद्धा पूर्वक मुद्रिका को दोनों नेत्रों से लगाया। माते,
मैं आपको देखकर धन्य हुआ। मैं प्रभु राम को इसकी सूचना दूंगा। पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रभु राम से कहना कि यदि 2 माह के भीतर नहीं आए तो मुझे जीवित ना पाएंगे। सीता ने धारण किए हुए अपने एक आभूषण को देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान ने वापस पहुंचकर प्रभु श्री राम को सीता का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। राम ने वानर सेना के साथ उसी क्षण लंका की ओर प्रस्थान किया। युद्ध क्षेत्र में रावण स्वयं राम के सम्मुख आया। ये युद्ध दीर्घ काल तक चला तथा रावण की मृत्यु के पश्चात समाप्त हो गया। अंततः राम सीता से अशोक वाटिका में मिले। प्रभु श्री राम को सम्मुख देखकर सीता अत्यंत हर्षित हुई। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई तथा राम के चरणों पर गिर पड़ी। जानकी, आज तुम्हारे सभी कष्टों का अंत हुआ। मुझसे विवाह के पश्चात तुम्हें कष्ट ही मिले। स्वामी, आप मेरी सबसे बड़ी शक्ति व प्रसन्नता हैं। प्रभु श्री राम अपने अश्रु नहीं रोक पाए। हे जानकी, तुम यहाँ रावण तथा राक्षसों के मध्य 1 वर्ष तक रह चुकी हो। मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त मैंने कभी किसी के विषय में नहीं सोचा। मैं निर्दोष हूँ। प्रभु, आप मुझे मत त्यागिए। मैं अब कहाँ जाऊंगी? जानकी, मैं अब पहले की भांति तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लक्ष्मण, अग्नि प्रज्वलित करो, मैं उसमें समाहित हो जाऊंगी। भैया, ये उचित नहीं है। माता सीता को ऐसा करने से रोकिए भैया। लक्ष्मण ने अश्रु पूरित नेत्रों से अग्नि कुंड तैयार किया। सीता ने जैसे ही अग्नि कुंड में प्रवेश किया, अग्नि बुझ गई। अग्निदेव स्वयं वहां प्रकट हुए। हे राम, आपकी पत्नी पूर्णतः निर्दोष है। आप इन पर कैसे संशय कर सकते हैं? पवित्र सीता को स्वीकार करें। ये आज भी उतनी ही पवित्र हैं जितनी पवित्र ये आपसे विवाह के समय थी। मैं सदैव जानता था कि सीता निर्दोष है, किंतु मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाद में कोई भी इसके चरित्र पर आरोप अथवा लांछन न लगा सके। राम के वनवास का यही अंत हुआ। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। सीता गर्भवती थी। एक दिवस श्री राम रात्रि भ्रमण पर निकले। उन्होंने एक पति व पत्नी के मध्य हो रहे वार्तालाप को सुना। हमारे राजा श्री राम एक अनमोल रत्न की भांति हैं। उनकी पत्नी सीता कुछ कम नहीं है। यद्यपि वो एक राजा की पुत्री हैं, तथापि सभी कठिनाइयों को सहते हुए उन्होंने राम का साथ नहीं छोड़ा। वो राम से भी महान है। ये तुम क्या कह रही हो? राम निश्चित ही महान है। ये जानते हुए भी कि सीता 1 वर्ष से अधिक दूसरे पुरुष के यहाँ रही, उन्होंने खुले हृदय से उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया। राम ये बात सुनकर अत्यंत दुखी हो उठे एवं महल लौट आए। लक्ष्मण, जाओ सीता को वन में छोड़ाओ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? माता सीता गर्भवती हैं। लक्ष्मण, आज जब मैं नगर में भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक दंपति को अपने तथा सीता के विषय में वार्तालाप करते हुए सुना। वो हमारी नैतिकता को लेकर विवाद कर रहे थे। 1 वर्ष तक सीता का मुझसे अलग रहना तथा मेरा पुनः उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना उनके लिए अमान्य है तथा मेरे विचार से उनका सोचना उचित है। जानकी से अलग होने की बात सोचकर ही मैं पूर्ण रूप से टूट जाता हूँ, किंतु मैं संपूर्ण प्रजा का शासक हूँ। यदि हम ही नैतिकता पर नहीं चलेंगे तो साम्राज्य कैसे चलेगा? भैया, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो पूर्व में ही अग्नि परीक्षा दे चुकी है एवं दुखी है।
आप पुनः ऐसा क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण, हम राज्य के नियमों से बंधे हैं। जाओ, सीता को छोड़ आओ। राम ने लक्ष्मण को पति पत्नी का वार्तालाप सुनाया। जब लक्ष्मण ने सीता को राम का आदेश सुनाया तो वे अर्धमूर्छित हो गई। पुनः धैर्य धारण करके वो राम से मिलने पहुंची। मेरे स्वामी, मेरे कहने हेतु कुछ भी शेष नहीं, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है। सीता ने दुखी मन से महल छोड़ा। वन में सीता ने महर्षि वाल्मीकि की सुरक्षा में रहते हुए लव तथा कुश नामक दो बालकों को जन्म दिया।